नमस्कार दोस्तों दोस्तों चार राशि में बड़ा परिवर्तन रहेगा। शनि महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और शनि महाराज ये कर्म फल देने वाले हैं। अब जो शतभिषा नक्षत्र है उसमें से परिवर्तन करके वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे और ये 17 दिन तक रहेंगे। ये 17 दिन में शनि महाराज चार राशि ऊपर बहुत ही कृपा करेंगे। जिसकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था उसकी नौकरी में प्रमोशन होंगे, साथ ही जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी उसको नौकरी प्राप्त रहेगी, जिसकी शादी रुकी हुई थी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे उसके लिए शादी के अच्छे योग निर्माण होंगे, साथ ही अगर बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में भी आपको लाभ मिलेगा, आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आप राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपके पद उन्नति रहेगी। ये चार राशि के लिए शनि भगवान कृपा जरूर करेंगे, साथ ही विशेष कृपा करें शनि महाराज उसके लिए मैं उपाय के साथ ये राशियों के नाम दूंगा। ये राशियों के लिए बड़ा अच्छा समय आ रहा है, इसलिए ये राशियों के लिए कहा जाए जो बंद दरवाजे थे वो खुल जाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं जो राशि की बात कर रहा हूं वो राशि के अच्छे भी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति होनी चाहिए तभी शनि महाराज कृपा करेंगे। ये चार राशि चंद्र राशि के आधार पर सारी बातें रख रहा हूं, साथ ही दो ग्रहों की बात करने वाला हूं, एक तो शनि महाराज है दूसरे है वो गुरु महाराज है, क्योंकि गुरु महाराज के नक्षत्र में शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं और दोनों ग्रह समभाव के फल प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में अगर हम पाप कर्म करते हैं तो शनि महाराज वो पाप कर्म का अशुभ परिणाम देते हैं, अगर हम सत्कर्म करते हैं तो शनि महाराज है वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में शनि भगवान की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो पहली राशि है वो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये 17 दिन बहुत ही अच्छे रह पाएंगे। आप बड़े जो कोई भी कार्य कर रहे थे उस कार्य में आपको रुकावट आ रही थी, विघ्न आ रहे थे, आपके कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहे थे, लेकिन ये जो समय आ रहा है मेष राशि के जातक के लिए बहुत ही उत्तम समय आ रहा है। ये 17 दिन आपके लिए शादी के लिए बहुत ही उत्तम योग निर्माण हो रहे हैं, लेकिन यहां आपको पुरुषार्थ करना होगा, रिश्ते ढूंढने होंगे और रिश्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर रिश्ते ढूंढेंगे भी नहीं, रिश्ते कहां कहां है आप जाएंगे भी नहीं तो यहां आपकी शादी नहीं होगी। कई जगह हम बताते हैं कि आपके लिए अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको ही करना होगा। आप नौकरी कर रहे हैं वहां पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो शनि भगवान की कृपा तो होगी लेकिन बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता, इसलिए पुरुषार्थ तो आपको ही करना होगा। आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपके सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन यहां शनि भगवान की कृपा होने से आपके सारे काम जरूर होंगे। और विशेष उपाय भी देने वाला हूं, मेष राशि के लिए विशेष उपाय देने वाला हूं, वो उपाय आप जरूर करें। उपाय क्या करना है तो आपको शंकर भगवान के ऊपर गुलाब के अत्तर से आपको शनिवार के दिन आरंभ करके प्रतिदिन आपको अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की प्रतिदिन आपको 2 माला अवश्य करनी है, तभी आपके शनि भगवान की कृपा होगी, साथ साथ शादी के लिए गुरु महाराज की भी कृपा होगी। शादी के लिए गुरु महाराज गुरु की स्थिति देखी जाती है, शुक्र की स्थिति देखी जाती है, सप्तम भाव को देखा जाता है, तो यहाँ गुरु महाराज की अच्छी स्थिति हो रही है, यहाँ युति मानी जाएगी, इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों दूसरी राशि की बात करो उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त हैं मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों ये वीडियो आप जरूर लाइक तो कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। दोस्तों ये सारी बातें मैं चंद्र राशि के आधार पर कह रहा हूं, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, आपके जन्म ग्रह शुभ स्थिति में है अशुभ स्थिति में है सारी बातें जाननी है तो यहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, यहाँ कॉल के लिए नंबर दिया जाता है, आप संपर्क कर सकते हैं।
लेकिन ज्योतिष देखने का समय, कॉल करने का समय, एसएमएस करने का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। बहुत से लोग वीडियो में नंबर देख के कभी भी कॉल करते हैं। दोस्तों सारे वीडियो में हम बताते हैं, यहाँ लिखा भी गया है, लेकिन बुद्धि से यहाँ आप ये कार्य नहीं करते। क्यों समय दिया जाता है? क्या उस समय कॉल करेंगे? कोई 6 बजे सुबह कॉल करते हैं, रात को 11 बजे कॉल करते हैं। दोस्तों अपनी बुद्धि का आप निरूपण मत कीजिए, आप कितने बुद्धिशाली है ये कॉल करके आप ऐसा क्यों बताते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ कहा जाता है कि ये समय आप कॉल कीजिए, उसी समय आप कॉल करेंगे, आपको मुलाकात का भी समय दिया जाएगा। मेरी ऑफिस जामनगर में है, गुजरात जामनगर में है, वहां से आप दूर रहते हैं तो उसके लिए सुंदर व्यवस्था हमने रखी है, आपको आना भी नहीं पड़ेगा। आप दूर रहते हैं तो आपको वीडियो कॉल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जन्म कुंडली का पूरा विस्तार आपको बताया जाएगा। आपकी कुंडली के आधार पर आपको शास्त्रोक्त उपाय बताए जाएंगे, आपको सरल उपाय बताए जाएंगे, आपकी जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल, आपका पूरा नेम व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, आपको कुंडली के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन दोस्तों पहले आपको अपॉइंटमेंट जरूर लेनी चाहिए, तभी आपको समय दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं दूसरी राशि की बात करूं, जो दूसरी राशि है बड़ी भाग्यशाली राशि मानी जाएगी, जो मेहनत कर रहे थे, जो साहस कर रहे थे, वो दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा आ रहा है और साथ साथ आपका पुरुषार्थ आपके लिए अच्छा परिणाम आपको प्राप्त कराएगा। आप नौकरी में हैं, मुझे लग रहा है आपका प्रमोशन अच्छा, जहां आप चाहते हैं योग अच्छे बन रहे हैं। आप शादी के लिए बड़े परेशान थे लेकिन योग भी अच्छा हो रहा है, साथ साथ आप उपाय करेंगे वो योग है, वो शादी में परिवर्तन रहेगा। आपको उपाय क्या करने चाहिए तो आपको शनिवार से आरंभ करके शंकर भगवान के ऊपर दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। ओम सर्वेश्वराय नमः इस मंत्र की प्रतिदिन 2 माला अवश्य करें। साथ ही आप बुधवार के दिन आपको रोटी में गुड़ डाल के कुत्ते को जरूर खिलाइए। कोई भी कार्य करने के लिए आप निकले तो ओम गणेशाय नमः इस मंत्र की 108 बार जप करें, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर रहेगा। दोस्तों तीसरी राशि है जिसके लिए जो सारे काम रुक गए थे, बड़े परेशान हो गए थे, वो तीसरी राशि है, वो सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए भी अच्छा समय आ रहा है, आप बड़े परेशान हो गए थे लेकिन यहाँ आपके लिए मान सम्मान भी बढ़ेगा। आप राजकीय क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके राजकीय क्षेत्र में भी उन्नति होगी, पद आपका बढ़ेगा। साथ ही शादी के लिए परेशान हो गए थे, आप उपाय करके थक चुके थे लेकिन उपाय आपको परिणाम नहीं दे रहे थे, साथ ही आपका प्रमोशन रुक गया था, आप नौकरी में बड़े परेशान हो गए थे, वहां भी अच्छा परिणाम मिलेगा। आप बिजनेस कर रहे थे लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा था, ये 17 दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम योग निर्माण हो रहे हैं। आपको क्या उपाय करने चाहिए विशेष आपको लाभ मिले? आपको उपाय ये करना चाहिए कि आप शनिवार से आरंभ करें और शंकर भगवान के ऊपर आप जल से अभिषेक करें और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अवश्य दें और आपको शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रह पाएगा। अब जो लास्ट राशि है उसके लिए भी अच्छे संकेत दे रहे हैं, अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं, वो लास्ट राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बड़े परेशान हो गए थे, जो भी कार्य कर रहे थे बड़ा पुरुषार्थ कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा था, आपको परिणाम की जो प्राप्ति चाहिए ये 17 दिन में परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। साथ ही आपके शादी के भी अच्छे योग यहाँ निर्माण हो रहे हैं लेकिन यहाँ आपको जाना पड़ेगा, जो यश नो हो रहा था शादी में यहाँ यश ही होगा, लेकिन जन्म कुंडली में भी आपके अच्छे शुभ योग होने चाहिए, यहाँ तो शनि भगवान की कृपा होगी। साथ साथ ये 17 दिन शनिवार से आरंभ करके 17 दिन दोस्तों आपको ये उपाय करने चाहिए। और ये शनि भगवान का राशि परिवर्तन कब हो रहा है
ये परिवर्तन हो रहा है 7 अप्रैल से। आपके लिए चार राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये लास्ट राशि की बात कर रहा हूं, क्या उपाय करने चाहिए, तो आपको प्रतिदिन शनिवार से आरंभ करके शनि भगवान के ऊपर आपको शहद से अभिषेक करना चाहिए, साथ ही रोटी में गुड़ मिला के कुत्ते को खिलाना चाहिए, साथ ही कोई भी कार्य करे गणपति भगवान का दर्शन करके ओम गणेशाय नमः इस मंत्र की एक माला करके कार्य का आरंभ करे। आपके जीवन में परिवर्तन रहेगा, आपके कार्य रुके हुए जरूर शीघ्रता से परिपूर्ण होंगे। दोस्तों चार राशि मैंने कह दी है, ये चार राशि प्रयास करें सफल होंगे, ऐसी शुभकामना के साथ यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगे या फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण महादेव।